यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पर गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि गाइस आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में चीटिंग कैसे करें। हाँ भाई, आपने सही सुना, चीटिंग कैसे करें। माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन आया है 1.21.40, 41, 42 जो भी हो वो, उसमें हम हार्डकोर मोड को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमारे पास हार्डकोर मोड है बेडरॉक एडिशन में, पर गाइस उसमें हम चीट नहीं कर सकते, चाह के भी चीट नहीं कर सकते। तो फिर गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के हार्डकोर मोड में चीटिंग कैसे करें। गाइस कुछ बुद्धिजीवी लोग, मतलब कुछ ज़्यादा ही ईमानदार लोग बोलेंगे भाई चीटिंग ऐसा तो बुरी बात होती है भाई, ऐसा क्या बता रहे हो। पर गाइस हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बताएंगे कैसे करते हैं चीटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर गाइस सबसे पहले आपको गूगल बाबा जी के प्ले स्टोर में जाके क्या डाउनलोड करना है, बिल्डर फॉर माइनक्राफ्ट पीजी, बिल्डिंग्स मतलब। फिर गाइस आपको अपना माइनक्राफ्ट खोलना है, उसका वर्जन 1.21.40 कोई भी वर्जन चलता है भाई, किसी से भी खेल लो। और फिर आपको एक वर्ड बनाना है, मैं एक हार्डकोर वर्ड बना के दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको विश्वास हो कि मैं हार्डकोर में चीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये है अपना हार्डकोर मोड ऑन हो चुका है, एंड देन क्रिएट द वर्ल्ड। भाई इसे फुल स्क्रीन कर लेना चाहिए मुझे। तो फिर गाइस क्रिएट का बटन दब चुका है, अभी इसे लोड होने तक का वेट करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो पे बने हो तो फिर आपको भी चीटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा चुल मची है, ये तो मैं समझ सकता हूँ। तो फिर गाइस इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही टिप्स लाता रहता हूँ। तो फिर गाइस सबसे पहले आपको वर्ल्ड में आने के बाद है ना एक चेस्ट बना लेनी है, क्योंकि अगर आपने ये चेस्ट नहीं बनाई तो फिर आप जो चेस्ट अपने इस वर्ल्ड में डालेंगे वो एम्प्टी होगी, ठीक है। तो फिर एक चेस्ट बना लेता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे आप, मैं जल्दी से चेस्ट बना लेता हूँ एक। और गाइस यार रेसिपी नहीं दिखेगी, हाथ से लगाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर गाइस चेस्ट लगाने के बाद आपको एक बार खोलना है, वर्ल्ड को सेव कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये हार्डकोर ही वर्ल्ड है मेरा, नहीं तो आप फिर से बोलोगे भाई इससे क्रिएटिव किया होगा, चूना लगा रहा है ये वो, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो फिर गाइस आप देख सकते हैं हार्डकोर मोड है। और गाइस ये कुछ कुछ फ़ोन्स में काम करते हैं, अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 14 या फिर 13 है, मुझे 12 और 11 का आइडिया नहीं, पर मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 10 है, जो मैं पुराना फ़ोन यूज़ करता हूँ, मतलब उसमें एंड्रॉयड 10 है, तो उसमें आराम से वर्ल्ड शो कर देता है मुझे। तो फिर अगर आपके पास एंड्रॉयड 14 होगा तो फिर एंड्रॉयड 10 वाले फ़ोन में अपना वर्ल्ड एक्सपोर्ट करके आप ये कर सकते हैं। तो फिर गाइस आपको दूसरा कोई भी क्रिएटिव वर्ल्ड ओपन कर देना है, जैसे मैं फ्लैट वर्ल्ड ओपन कर रहा हूँ। जल्दी से हो जा भाई, कितना टाइम लेगा ये। ओके गाइस ये तो होने वाला है ओपन। और फिर गाइस आपको क्रिएटिव से कुछ भी सामान निकाल लो और इस चेस्ट में भर दो भाई, आप इससे घर भी टपका सकते हो अपने वर्ल्ड में। गाइस मैं जल्दी से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ यहाँ से और फिर इसमें भर देता हूँ। फिर गाइस आपको आप इस वर्ल्ड को सेव कर देना है, और मैंने जो आपको ऐप बताया था बिल्डर नाम का, उसमें चले जाना है। ये है हमारा बिल्डर ऐप, इसको ओपन करने पर ऐसा इंटरफेस आता है। फिर आपको यहाँ पे ना माय बिल्डिंग्स में चले जाना है, मतलब ये साइड में बटन है, ये देखिए माय। ओके, फिर आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है, या आपको स्टोरेज की परमिशन मांगेगा इसको दे देना। और फिर आपको है ना आपका जिस वर्ल्ड में आपने चेस्ट बनाई है उसको सिलेक्ट करके ओके दबा देना, जैसे मैंने किया है। फिर आपको ये दिखेगा, फिर आपको अपनी चेस्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब ऐसे ऐसे उस पर टैप करके सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर गाइस आपको जैसे अनजूम करते हो ना वैसे करना है। उसके बाद ये नीचे वाला जो माइनस है ना उसको दबाना है, जिससे ये ब्लॉक्स कम होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कैमरे का बटन दबा देना है। फिर ये हो जाने के बाद आपको है ना थोड़ा सा नीचे लेना है, आपकी चेस्ट दिखेगी आपको। फिर आपको इसको इंस्टॉल दबाना है। आज कौन सा वर्कआउट मारूं यार, वो भाई ऐड आ गई यार, नेट बंद करके चालू करना चाहिए था मुझे। आप नेट बंद कर देना, उसका कुछ नहीं है। जैसे ही आप इस पे जाके इंस्टॉल दबाओगे आपको आपके दोनों वर्ड सीख जाएंगे, आपको अपना हार्डकोर वर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये साइड में जो चक्री घूम रही है इसको लोड होने देना है। तो गाइस ये देख सकते हैं, यही आपका वर्ल्ड, जहाँ पे आप स्पॉन हुए थे स्पॉन पॉइंट दिखाता है, या फिर जहाँ पे आप हो वो दिखा देता है, कहीं की जगह दिखा सकता है। फिर आपको अपनी चेस्ट ढूंढनी जो रेड कलर में ग्लो करती रहेगी। गाइस ये तो मैंने पहले लगाई थी, ऊपर जाके देखता हूँ, ऊपर ये माइनक्राफ्ट की तरह ही, वो देखो गाइस चेस्ट। फिर आपको उस चेस्ट के ऊपर अपनी एक उंगली रखनी और इसे पीछे आना है, जहाँ पे भी आपको इसे रखना है, ठीक है। जैसे मैंने इस पे उंगली रखी और आगे पीछे। फिर आपको इसे एक अच्छी सी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप इसे रख सको। और फिर ऊपर नीचे करने के लिए आपको गाइस यहाँ नीचे बटन्स दिए हैं। तो फिर गाइस ये देख सकते हैं, इस बटन से ऊपर जाती है, इससे नीचे आ रहा है। फिर आपको ये नीचे ले लेना है, और फिर हरे कलर का टिक का ऑप्शन है उसको दबा देना है। फिर आपका काम हो गया, फिर आपका माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना। फिर आपने वर्ल्ड में चले जाना है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये एक हार्डकोर वर्ल्ड है जिसमें मैं चीटिंग नहीं कर सकता।
क्योंकि गाइस बहुत लोग मानते नहीं यार, दिखाना पड़ता है। इसे ओपन कर लेते हैं, फिर कैसे इस वर्ड को लूटने देते भाई। ये 2 GB रैम का फोन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे एंड्रॉयड 14 वाले फ़ोन में नहीं चला गाइस, क्योंकि मुझे ये वर्ल्ड ही नहीं दिख रहा था। माइनक्राफ्ट एक्सटर्नल पे कर देना था, अभी वर्ल्ड दिखेगा। ठीक है, और फिर गाइस अभी मैं हो चुका हूँ स्पॉन। और फिर गाइस ये देख सकते हैं मैंने लगाई हुई चेस्ट, और पीछे देखेंगे तो वाह, ये है मेरी चेस्ट जिसपे बहुत सारा सामान है। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सो